एक राधा एक मीरा, दोनों ने श्याम को चाहा, अंदर क्या दोनों की चाह में बोलो एक प्रेम दोनों के प्रेम की अंतर की चर्चा हम कर रहे हैं और हम लोग बड़े भावपूर्वक सुन भी रहे हैं। और लेकिन आज तक कथा के सिद्धांत से यह सिद्ध हुआ कि दोनों का प्रेम ही अपने आप में गोविंद के लिए सर्वोपरि है। मिलकर बिछुड़ना है तो राधा बनो, बिछुड़कर मिलना है तो मीरा बनो। मिलकर बिछुड़न चाहिए तो राधा बनो, और बिछुड़कर अगर मिलना है तो मीरा बनो। हमारा मानना है राधा अगर मिश्री है तो मीरा उस मिश्री की मिठास है, राधा अगर दीपक है तो हमारी मीरा बाती है, राधा अगर दिल है तो हमारी मीरा गोविंद की धड़कन है। मीरा भी कहां कम है, क्या क्या नहीं सहा, जगत की अवहेलना, पति की अवहेलना, माता पिता की अवहेलना, संसार के ताने, विष पिया, रोई भटकी, विरह की वेदना में तड़पी है, लेकिन सब कुछ सहते हुए भी मीरा की एक बहुत अच्छी खूबी है, मीरा ने मरते मरते गोविंद का साथ नहीं छोड़ा। तो मीरा मरी कहां, मीरा तो आज भी गोविंद के हृदय में जिंदा है। तो कि मीरा बन ही कौन सकता है, मीरा तो कृष्ण ही बन सकते हैं, भगवान कृष्ण के अलावा मीरा कौन हो सकता है। राधा अगर चंदा है तो मीरा हमारी चांदनी है, चंदा बिना चांदनी के अधूरा है, मीरा भी कम का, खूब सहा मीरा ने अपने जीवन काल, लेकिन सहा कहा नहीं। एक होता है लोग सहते हैं तो अपने प्रियतम से कहते हैं, हमने तुम्हारे लिए ऐसा किया, हमने तुम्हारे लिए ये किया, हमने ये कष्ट पाए हैं, हमने तुम्हारे लिए रातों भर जगा, पर धन्य है मीरा, मीरा सहती रही पर कभी गोविंद से कहती नहीं रही। यातनाएं सही, वो यातनाओं को भी गोविंद मानती थी, पीड़ा को भी गोविंद मानती, ये जीने की कला है। हम लोग सुख को अपना मानते, दुख को पराया मानते, पर मीरा से एक कला तो सीखी जा सकती है, मीरा ने तो दुख को भी गोविंद की याद ही समझा है। मीरा कहती है अगर मेरे जीवन में संकट है तो ये मेरी भूल है, इसमें मेरी कमी है। और मीरा तो कष्ट में भी गोविंद को ध्यान लेती, कष्ट में भी कन्हैया को भज लेती,